आईआईटी बीएचयू में बुधवार की देर रात एक छात्रा से छेड़छाड़ और जबरदस्ती कपड़े उतरवा कर किस करने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। कैंपस में डायरेक्टर ऑफिस के आगे स्टूडेंट्स ने करीब 15 घंटे तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन को खत्म किया। आईआईटी बीएचयू में बुधवार की देर रात एक छात्रा से छेड़छाड़ और जबरदस्ती कपड़े उतरवा कर किस करने को लेकर गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। कैंपस में डायरेक्टर ऑफिस के आगे स्टूडेंट्स ने करीब 15 घंटे तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर उन्होंने आंदोलन को खत्म किया। इसके साथ ही कैंपस की सुरक्षा को लेकर मजबूत बनाने और सीसीटीवी लगवाने का भी भरोसा दिया गया। वाराणसी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में बीते बुधवार की रात आईआईटी सेकेंड ईयर की एक छात्रा से छेड़छाड़ और उसके कपड़े उतरवा कर किस करने को लेकर छात्रों ने भारी बवाल काटा है। इसी बीच आपको बता दें कि बीएचयू की छात्रा सेकेंड ईयर के मुताबिक उसने कहा कि न्यू गर्ल्स हॉस्टल से 2 नवंबर की रात में लगभग 1:30 बजे वॉक पर निकली थी। तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर ही बढ़ी थी कि 3 की संख्या में बुलेट बाइक सवार अज्ञात युवक कैंपस के अंदर आए और छात्र छात्रा को जबरदस्ती अलग अलग कर दिया। छात्रा के मुताबिक उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया गया, बल्कि उसके कपड़े मनचलों ने उतार दिए और किस भी किया। इतना ही नहीं, उसके वीडियोस बनाए और उसके मोबाइल नंबर भी ले लिया। इस पूरे वारदात में करीब 10 से 15 मिनट तक आईआईटी बीएचयू की छात्रा फंसी रही। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354 ख 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके बावजूद भी आंदोलित छात्र छात्राओं का गुस्सा नहीं थमा। छात्र छात्रा लगातार आईआईटी बीएचयू कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। पूरे दिन चलते प्रदर्शन के बाद आईआईटी बीएचयू डायरेक्टर के दफ्तर में डायरेक्टर, पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के बीच घंटों बैठक हुई और इस दौरान देर रात तक छात्र छात्राएं उनके दफ्तर के सामने डटे रहे। बैठक के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि बीएचयू और आईआईटी बीएचयू कैंपस के बीच बाउंड्री बनेगी और उसे सुरक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी भी होगी और कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे, जिसका वादा किया गया है।